कोरोना वायरस से निपटने के लिए रूस द्वारा तैयार की गई वैक्सीन एक और अध्ययन में सुरक्षित पाई गई है। सीमित संख्या में लोगों पर किए गए परीक्षण में इससे किसी तरह का नुकसान नजर नहीं आया है, बल्कि इसने एंटीबॉडी तैयार की है। चिकित्सा जगत से जुड़ी खबरें और शोध प्रकाशित करने वाली लैंसेट की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रूस ने पिछले महीने स्पुतनिक फाइव नामक यह वैक्सीन लॉन्च की थी, उसे हफ्तों बाद उसके नतीजे प्रकाशित किए गए हैं। 76 लोगों पर हुआ परीक्षण। लैंसेट ने अपनी रिपोर्ट में 76 लोगों पर वैक्सीन के प्रारंभिक चरण के परीक्षण के नतीजों की जानकारी दी है। अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन की खुराक देने के बाद 42 दिनों लोगों पर नजर रखी गई थी। इसके दौरान किसी को कोई भी परेशानी नहीं हुई। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित पाई गई और 21 दिन के भीतर सभी लोगों में एंटीबॉडी पैदा हो गए। शोधकर्ताओं के मुताबिक वैक्सीन ने 28 दिनों के भीतर वैक्सीन टी सेल यानी व्हाइट ब्लड सेल भी पैदा किए, शरीर में मौजूद टी सेल वायरस को मारने का काम करती है। रूस के गैमलिया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के अध्ययन में कहा गया है कि यह वैक्सीन शरीर में दाखिल होते ही स्पाइक प्रोटीन जेनेटिक कोड डिलीवर करती है। स्पाइक प्रोटीन जेनेटिक कोड ही SARS-CoV-2 वायरस को पहचानने और हमला करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रेरित करने में मदद करता है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक इस वैक्सीन का ट्रायल रूस के 2 अस्पतालों में किया गया। इन परीक्षणों में 18 साल से 60 साल की उम्र के स्वस्थ वयस्क भी शामिल थे। आपको ये खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।